बता लगा 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 और भाई इतना धूप में कैसे निकलूं ये समझ में नहीं आ रहा है। ओए क्या करे इतने धूप में कैसे निकलूं भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया भाई। नमस्कार, कुमरुक सुदुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है पीएम असम 05 यूट्यूब चैनल की तरफ, और मैं हूं आपका परेश भाई। और गाइस आज मेरे साथ है ये सारे टीम भाई, लोग सारे यहां पर आ चुकी है हमारे सारे टीम। और गाइस हम लोग लेके आया हूं ये सारे, ये देखो भाई यहाँ पर सारे बाइक्स के लाइनअप। और भाई एक ये प्रकाश भाई की, ये है कि राजकुमार भाई का NS 200, और यहाँ पर है निपन भाई का R15 V3, और वहाँ पर है मेरे। तो गाइस ये चेक करो सारे लाइनअप। और गाइस आज हम लोग जा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया जगह पे, बहुत ही एक अच्छी जगह पे। और ये है कि आप लोगों को पिछले वीडियो पे कहा था कि हम लोग माधुली राइड के लिए निकल रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो पाया। और गाइस इस रीजन से जा नहीं पाया क्योंकि प्रकाश भाई का, बड़े भैया का तबीयत थोड़ा बहुत ठीक नहीं था, इसके लिए सुबह सुबह हमें जाना पड़ा, तो इस रीजन से हमें लेट हो गया। माधुली तक तो जा ही नहीं पाया, फिर भी हमने सोचा कि यहाँ पर ही सामने कहीं घूम कर आते हैं, कहीं राइड करके आते हैं। तो यहाँ पर सारे टीम आ चुका है हमारे, और भी एक भाई आने वाला है ना, तो गाइस उसके लिए हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, और कि हम लोग आज राइड के लिए निकल रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि आज साठ साठ आ रही है, तीन तीन V3 और साथ में एक NS और एक RS, तो भाई कि ये भी RS वाला भी आने वाला है। और गाइस कि सारे लोग आज मिलकर हम लोग राइड के लिए जा रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया नज़ारे दिखाने वाला होगा, और एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ज़बरदस्त जगह आप लोगों को दिखाने वाला। तो प्रकाश भाई क्या कहना है? क्या है बोलो यार, उधर जाकर हम तो नहाना पड़ेगा और बहुत ही मस्ती करेंगे, बहुत ही मजे करेंगे। और मेन इम्पोर्टेंटली मैंने कल आप लोगों को दिखाया था प्रकाश भाई के बाइक थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, ठीक किया हो, और कि अभी भी काम बाकी है बाइक का, बाकी है थोड़ा, क्योंकि अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है। प्रकाश भाई के बाइक जल्दी ठीक हो जाए तो हम लोग लॉन्ग राइड के लिए निकल सकते हैं ना। साथ साथ तुम्हारे बाइक को सपोर्ट करो जल्दी जल्दी, 1K करना है भाई। और ये है कि अगर 1K पहुंच जाते हैं तो सब्सक्राइबर के लिए हम लोग एक सरप्राइज रखेंगे, तो सब्सक्राइबर के लिए हम लोग एक सरप्राइज रखने वाला, तो उसके लिए जल्दी जल्दी 1K करवा दे भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें तुम्हारे भाई को। ये सारे लाइनअप चेक करो बॉयस, ये है हमारे टीम के लाइन, चेक करो बॉयस, और वहाँ पर सारे लोग बैठी हुई है क्योंकि इतना धूप ज़्यादा है ना भाई, यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, घर से निकलना मुश्किल है, इतना ज़्यादा धूप दे रहा है अभी आसाम पे। और ये सारे टीम आज जा रहा है राइड के लिए, ये है निपन भाई, और निपन भाई के बाइक का भी भाई बैटरी का ये जो स्प्रिंग है इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे सही करेंगे, उसके बाद लॉन्ग राइड के लिए निकल जाएंगे। ये निपन भाई देखो हैंडसम बॉय, क्या कर रहे तुम लोग जल्दी आ। गाइस यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये है हमारे सारे टीम, तो ये है हमारे आज के सारे टीम, ये हमारे सारे टीम। तो गाइस धूप बहुत ज्यादा है तो थोड़ा स्पीड चलते हैं, वरना भाई धूप में तो मर ही जाएंगे, इतना तेज धूप आ रहा है भाई, क्या बोलूं, थोड़ा स्पीड चलते आला, चला आजा आजा, मजेदार एक नंबर साउंड बाइक का, बाइक के साउंड तो भाई बहुत ही जबरदस्त है। और भाई ये एक्रोपोविक का साउंड है ना, बहुत ज्यादा दिल पे लगती है भाई साहब, इतना ज्यादा बढ़िया सुकून देता है, मतलब जबरदस्त एक नंबर।
गाइस आज के राइड जो है बहुत ही मजेदार, और यहाँ पर देख सकते हो भाई बहुत ही अमेजिंग राइड, बहुत ही हाइपर राइड भाई, सुकून भाई, और भाई अलग ही जोश में हो आज, बहुत ही बढ़िया अलग ही जोश में राइड कर रहे हैं आज सारे टीम अलग ही जोश में, जबरदस्त प्रकाश भाई तू भाई अलग ही जोश में है, एक नंबर अलग ही जोश में भाई, देख रहे प्रकाश भाई। और भाई फिर से हम लोग पहुंच चुकी हूँ ग्रीन प्लेस, तो आसाम यहाँ से हम लोग गुजरते हुए जाना है, और कि भाई यहाँ पर नहीं रुकेंगे, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लोग, ओ भाई बहुत सारे टीम, ओ भाई भाई चला चलते हैं क्या, ओके चलो। तो भाई यहाँ पर रेस्ट नहीं करेंगे, सीधा गुगामुख पर रेस्ट करेंगे, चलो चलो। आवाज तो खतरनाक है, एक नंबर है, जबरदस्त खतरनाक आवाज है भाई। और गाइस ऐसे आते आते हम लोग पहुंच चुका हूँ गुगामुख टाउन, और यहाँ से हमें अभी राइड जाना है, और गाइस की आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत एक जगह पे जा रहा हूँ जो कि एक पहाड़ी इलाके है, तो बहुत ही देखने में मजा आने वाला है और बहुत ही सही होने वाला है। तो गाइस चलो यहाँ से राइड लिया हमने गुगामुख टाउन से, तो यहाँ से सीधा हम लोग पहाड़ों पर चलेंगे भाई, गर्मी ज़्यादा हो रहा है तो हमने सोचा कि पहाड़ों पर थोड़ा एंजॉय करके आए, घूम के आए, फ्रेश हो के आए। तो ये है गुगामुख टाउन, तो भाई यहाँ से चलते हैं हम लोग, और भाई यहाँ से भी पहाड़ों के अंदर जाने वाला हम लोग, और ये यहाँ के मेन पॉइंट, तो हमें लेफ्ट लेना है। और गाइस बहुत ही एक ज़बरदस्त नज़ारे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और गाइस बहुत ही इस गर्मी के सीज़न पर बहुत ही ठंडी जगह, ओ भाई ऐसे जगहों पर आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। क्या हो गया भाई को, क्या हुआ स्पीड ब्रेकर अगर ऐसे लगा के रखेगा ना हर कोई गिरेगा ही ना, गांव के अंदर ठीक है वो चलता है, बट ऐसे मेन रोड पे भी अगर स्पीड ब्रेकर, ये भी देखो भाई कितना ऊपर बना के रखा, ये देखो भाई ऐसे कौन बनाता है भाई, इसमें तो कोई ना कोई गिर ही जाएगा। बच्चे पार्टी को चाहिए भाई, आरपीएम चाहिए इन लोगों को भाई, ये जो एग्जॉस्ट पाइप लगा के आए हैं हम लोग, जिधर भी देखता हूँ ना बच्चे तो भाई मांगता ही है आरपीएम दे दो भाई, एक बार करके, तो मना नहीं कर सकता ना, देना ही पड़ता है भाई, क्या करे। और भाई ये राइड पे जाना, बाइक पे घूमना, यही सारे चीजें हमारा खुशी है, तो भाई इसी रीजन से लड़के लोगों को हमेशा चाहिए होता है बाइक चाहिए, अपना पसंदीदार बाइक चाहिए, अपना ड्रीम बाइक चाहिए, क्योंकि ऐसे दोस्तों के साथ घूमते हैं ना तो भाई बहुत ही मजा आता है। देखो कौन कौन झगड़ा करता है यार, कैसे ऐसे चलते चलते भी झगड़ा हो ही जाता है, ये इसको कहते हैं भाई लड़कों की दोस्ती, ऐसे चलते चलते भी झगड़ा हो जाता है, इसको कहते हैं लड़कों की दोस्ती। तो भाई इसी रीजन से हम खुश होते हैं, और भाई कि हम लोग राइड के लिए जाते हैं छोटे मोटे बातों पर लोग झगड़ा करते हैं, तो यही हमारा खुशी है, ये हमारा खुशी है भाई साहब। और ऐसे रास्तों पे तो भाई बाइक चलाना बहुत ही ज्यादा सुकून मिलती है, दिल को ठंडक मिलती है, दिल को ठंडक, तो भाई ये है हमारे खुशी, और भाई इसलिए राइड पे जाने का मन करता है। वो आगे देखो भाई को,
इस रीजन से हम लोग राइड के लिए निकलते हैं, क्योंकि हमें सुकून मिलते है, थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलती है। अगर आप लोगों को हमारे साथ राइड के लिए जाना है तो आप लोग कमेंट करो, और गाइस मेरा इंस्टा आईडी पे जाओ और आप लोग मैसेज करो, डीएम करो, तो हम लोग साथ में मिलकर राइड करेंगे। और भाई देख रहे हो ये नजारे, चेक करो गाइस कितना खूबसूरत, कितना अमेजिंग है। तो भाई ऐसे ऐसे जगहों पर आप लोग को राइड करवाने वाला हूं, तो भाई आप लोग हमारे साथ राइड के लिए जाना चाहते हो तो भाई इंस्टा पे मुझे डीएम करो, इंस्टा पे मुझे मैसेज करो, तो भाई आप लोगों को भी नेक्स्ट राइड पे लेके जाऊंगी। तो भाई कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हो कमेंट करो जल्दी से, और रास्ते चेक करो वॉइस, रास्ते चेक करो मैं अभी स्पीड किसने वाला हूँ, रास्ते जबरदस्त है भाई, चलो। ओ भाई 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 अमेजिंग रास्ते भाई, जबरदस्त रूट पकाएगा बता, लगा 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 यहाँ से चेक करो बॉयस, पहाड़ों पे हम लोग आ चुकी हूँ। और भाई ये राइड अगर किसी को चाहिए तो भाई आप लोग मुझे इंस्टा पे जल्दी जल्दी मैसेज करो, और नेक्स्ट राइड आप लोगों के साथ मैं करने वाला हूँ। भाई इसको कहते हैं भाई राइड, बहुत ही जबरदस्त वाला, बहुत ही एक नंबर वाला राइड इसको कहते हैं। ओ हो भाई नजारे देखो, नजारे चेक करो भाई, अमेजिंग पहाड़ों के अंदर भाई आज के राइड, ओ हो एक नंबर भाई, सुकून मिलता है। और इतना ज्यादा गर्मी हो रहा है ना, तो भाई पहाड़ों पे अच्छा लगता है, जबरदस्त। और भाई की अभी दो दो तीन दिन से हो रहा है ना, तो पानी कम हो गया। और गाइस फाइनली हम लोग पहाड़ों पे पहुंच चुकी हूँ, और आज भाई इतना तेज धूप आ रहा है ना, क्या ही बोलू। ये देखो यार, धूप में हम लोग राइड कर रहा हूँ। और गाइस की इस ब्रिज को क्या कहते हैं, अयांग ब्रिज, मुझे तो नहीं पता बट सुना हो अयांग ब्रिज कहते हैं शायद इसको। तो भाई ये है, सारे लोग अगर ऐसे राइड के लिए निकलते हैं, इंसान को यही लाइफ तो चाहिए होता है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए ना। तो भाई हम लोग उस पार चलेंगे, वहां पर शायद पहाड़ों से पानी निकला हुआ है, तो हम लोग चलते हैं वहां पे। और पहाड़ चेक करो वॉइस, अमेजिंग। ये है अयांग ब्रिज, और इसके अंदर से जाएंगे तो भाई गेरकामुक एनएसपीसी, और भाई आप लोगों को पिछले बार मैंने लेके गया था एनएसपीसी पे, तो एनएसपीसी डैम तो उस पहाड़ों के अंदर है, तो हम लोग अंदर तक तो नहीं जाएंगे बट यहाँ पर एंजॉय करेंगे। और भाई पहाड़ों के अंदर एक ऐसी जगह, यह है पत्थर के कंपनी, और यहाँ से ही बाहर तक पत्थर जाते हैं, घर बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए पत्थर चाहिए होता है, तो भाई इसी पहाड़ों से ही निकलते हैं। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे जगह है लेकिन पहाड़ों से ही निकलता है ये जो पत्थर है, उसके बाद ही दुकान तक ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पर एक ऐसे इलाके दुकान है, यहाँ पर हम लोग खाने के लिए कुछ चीजें लेके जाएंगे, सामान सामान, और यहाँ से पहाड़ों के नज़ारे चेक करो बॉयस, आई लव इट, अमेजिंग भाई क्या ही बोलूं, एक नंबर है, जबरदस्त भाई। यहाँ से हम लोग अभी नीचे जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी पहाड़ों से निकला हुआ पानी के मजे लेने वाला हूँ, तो यहाँ से नीचे चलना है भाई। रास्ते देख रहे हो, रास्ते चेक करो बॉयस, ओ भाई ओ आराम से भाई, रास्ते देख रहे हो भाई कैसी कैसी रास्ते है। और भाई पहाड़ों पे जाने के लिए ऐसे मेहनत तो करना पड़ता है, ये देखो बॉयस ऐसे रास्तों पे, ओए होए होए आराम से भाई, ओ पहाड़ों के अंदर से निकला हुआ पानी की तरफ जा रहा हूँ भाई साहब, ये देख रहे हो रास्ते, आराम आराम से चल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ओ प्रकाश भाई, और भाई कैसे कैसे रास्ते है ये देख रहे हो भाई, आराम आराम से चलना पड़ेगा, यहाँ से देखो रास्ते, ओए ओए क्या करे भाई, पहाड़ों पे घूमने के लिए ऐसे तो करना ही पड़ता है।
भाई 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 कैसे रास्ते है भाई? ओ भाई, ओ भाई भाई, ओ भाई साहब, ऐसे होता है पहाड़ों के रास्ते। और आज हमारे टीम पूल जोश में है, प्रकाश भाई वीडियो बना रहा है। कैसे कैसे रास्तों से हमें जाना पड़ रहा है ये देखो भाई। और यहाँ पर हर कोई एंजॉय कर रहा है, यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं लोग। और ये है कि इस जगह का नाम है अयांग ब्रिज, और अयांग ब्रिज के नीचे हम लोग राइड कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ही रखना है बाइक? यार इतना धूप पे कैसे रखूं? अंदर नीचे रख सकते हैं क्या? सही नहीं है क्या? लोकेशन देख ले पहले एक बार। और भाई पहाड़ी इलाके हुई। और भाई ये देखो भाई, बाइक रखने के लिए पार्किंग प्लेस यहाँ पर ही अभी सारे बाइक रखना है हमारे। और बाकी दोस्त लोग नीचे की तरफ उतर गई। और भाई ये देखो, अब नीचे की तरफ उतर रहा हूँ क्योंकि हमें पहाड़ों से निकला हुआ पानी को एंजॉय करना है आज। और भाई तभी हमें शांति मिलेगा, वरना धूप में इतना ज्यादा गर्मी हो रहा है ना भाई, बाइक चला चला के थक चुका हूँ। और यहाँ पर भाई पानी निकल रहा है। दिस इज असम, ये है असम। ओ टन नहीं है यार पानी है प्रकाश भाई, ओ प्रकाश भाई पानी टन नहीं है भाई। पानी भी गर्मी हो रहा है आज, पानी भी गर्मी लग रहा है। और भाई गर्म पानी है ये तो, पहाड़ों से निकला हुआ पानी है। हमने सोचा कि ठंडा होगा शायद, बट यहाँ पे तो गर्म है। और गाइस इतना धूप में राइड करके आया और यहाँ पर भी एक अच्छी जगह नहीं मिला। यहाँ पर देखने के लिए तो पहाड़ी है और यहाँ पर साइड में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक नज़ारे है, बट यहाँ पर हमें रेस्ट करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं मिला है प्रकाश भाई। यार हमने सोच के आए थे कि यहाँ पर पहाड़ों से निकला हुआ पानी है और बहुत ही एक अमेजिंग है, और यहाँ पर नहाने के लिए कुछ पानी होगा शायद, बट ये देखो भाई इस पानी पे कौन नहाएगा। और भाई नहाने के लिए ये पानी नहीं है, बहुत ही अंदर से निकल रहा है, लेकिन उस साइड में है, बट पानी गर्म है अभी क्योंकि अभी धूप इतना जोर से आ रहा है ना, तो हर पानी हर जगह के पानी गर्म करके रखा है। तो यहाँ पर हमें खाने के लिए कुछ चीज़ें बना रहे हैं मिक्सिंग, और तो यही अभी खा कर जाएंगे, क्या करें है ना, कोई उपाय नहीं है। और नहाने के लिए यहाँ पर जगह कुछ खास नहीं है इतना, तो यहाँ पर सारे लोग ऐसे बैठी हुई है, ये पानी में खेल रहा है, थोड़ा सा पानी में ही खेल रहा है, खुश है ना? हाँ इसी में खुश हो जा भाई, इससे तो ज्यादा पानी नहीं मिलने वाला। और गाइस हमने पहाड़ों के पानी पीने वाला भी, भाई ये देखो भाई, ज्यादा टंटू नहीं है पर अभी पानी का प्यास लग रहा है और धूप भी इतना जोर से आ रहा है, तो भाई पीना तो पड़ेगा ही, और एक बार पियेंगे। ओ भाई सुकून, गर्मी बहुत ज्यादा है ना भाई, पहाड़ों पे आ गए थे हम लोग ऐसे प्रेस हो जाऊंगा करके, बट गर्मी के वजह से कि भाई कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर पत्थर है, थोड़ा बहुत पानी है, और यहाँ पर सारे टीम है, तो भाई चलो देखते हैं शाम तक क्या होता है। और गाइस यहाँ पर किसी ने शायद बियर पी के रखा था, ये लोग देखो, और भाई इसके ऊपर निशाना लगा रहा है, ये भाई देखो ये ऐसे मजाक करता है, इसलिए दोस्तों के साथ घूमना जरूरी है भाई, ये भाई दोस्तों के साथ घूमना इसलिए जरूरी है। ओ भाई रुको 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 आराम से हस्ती, और भाई दोस्तों के साथ ऐसे तो चलता ही है। मार और मार जोर लगा, अरे भाई मार 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 मार
ओ भाई 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 बस 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 बस, बस हो गया हो गया। और गाइस यहाँ पे हमने बहुत सारा एंजॉय कर लिया और वहाँ पर फोटो शूट वगैरह चल रहे हैं। हम लोगों ने सोच के आए थे पहाड़ों पे जाएंगे, थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे, बट क्या है कि धूप में इतना ज्यादा यहाँ के पानी गर्मी हो गया ना भाई, क्या ही बोलू। और यहाँ पर हमने जितना एक्सपेक्ट किया था इतना पानी तो है नहीं, वरना हम लोग यहाँ पर नहा कर जाने वाले थे ना। और ये भाई तो हाथ मिला यार भाई, और की 1K पहुंचने वाला हूं, जल्दी जल्दी से आप लोग सपोर्ट करें और जल्दी जल्दी शेयर करें। और गाइस जो भी मेरे चैनल पर नया है, चैनल को क्या करना है सारे लोग बोलो, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जल्दी जल्दी कर देना है यार। और गाइस आप लोग ने सुना ही है दोस्त लोग क्या बोल रहा है, लाइक करना है, शेयर करना है, और गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और साइड वाला बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, क्योंकि जब भी मैं ऐसे नए नए वीडियो देता हूँ जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुँचे, है ना। तो भाई आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हम लोग यहाँ से रवाना होने वाला हूँ। और की यहाँ पर सारे लोग भाई फोटो खींचने में बिजी है। और गाइस हैंड में एक चीज, आप लोगों का घर के परेशानी हो, घर के कोई टेंशन हो, या किसी वजह से टेंशन हो, काम के वजह से टेंशन हो, तो भाई पहाड़ों पे आ जाओ घूमने के लिए। तो पहाड़ों पे कम से कम एक पल के लिए ही सही, बट यहाँ पर सुकून मिलता है पहाड़ों पे। तो भाई सारे लोग आ जाओ पहाड़ों पे घूमो और गाइस एंजॉय करो। तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सारे लोग बाय बाय कर दो, सारे लोग बाय बाय कर दो। तो गाइस आप लोग, और भाई ये एक ऐसी जगह है यहाँ पर हर कोई पिकनिक मनाने आते हैं, अच्छी जगह है देखने के लिए, बहुत ही घूमने के लिए फेमस जगह है। तो सारे लोग यहाँ पर अभी शाम के टाइम पिकनिक मनाने निकल रहे हैं।